हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। एंड आज हम देखने जा रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स का लेक्चर नंबर 46। सो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे ईजिली, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो जाके चेकअप कर लीजिए अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ताकि आपको स्टार्टिंग से पूरा आफ्टर इफेक्ट्स समझ में आए। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कींग के कुछ ऑप्शन देखे थे, बट मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ वो लेक्चर से, बिकॉज वो जो हमने इमेज जिस पे काम कर रहे थे वो पर्टिकुलरली किंग के लिए थी नहीं थी। मैंने एक नॉर्मल सा एक फुटेज लिया है जिसके अंदर हम किंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। किंग, मैं आपको एक बेसिक फंडा बता दूँ किंग क्या मतलब होता है। किंग हम तब करते हैं जब हम कोई VFX शॉट बनाते हैं। तो VFX शॉट बनाने के लिए हमको मोस्टली क्या करना पड़ता है, जो हमारा कैरेक्टर है उसको बैकग्राउंड से अलग करना पड़ता है, ताकि हम वो कैरेक्टर को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, आसमान में या फिर जहाँ भी हम चाहें उसका बैकग्राउंड पीछे का बदल सकते हैं। आप अपने इमेज के साथ भी कर सकते हैं, कोई ग्रीन कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं, उसको अपने बैकग्राउंड पे लगा के आप शूट करें। एंड फिर जो मैं स्टेप्स बताऊँगा आज, आप उसको फॉलो करके आप अपना भी एक VFX शॉट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ मेरे पास दो सैम्पल फुटेज है, ये जो सैम्पल फुटेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी फ्री में आपको एक फुटेज मिल जाएगी यूज़ करने के लिए, तो चेकआउट कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। फ़िलहाल मैं वो फुटेज को एक कॉम बना लेता हूँ 1920/1080 का, 1080 HD एंड 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ओके, एंड अब ये फुटेज ले आते हैं हम कॉम के अंदर। फुटेज थोड़ी छोटी है, हम अभी के लिए उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर लेंगे। एंड मैं एक बैकग्राउंड ले आता हूँ, फुटेज बंद करके आप बैकग्राउंड को भी आप इजीली एग्जिस्ट कर। मैंने तो नॉर्मली ऐसे एक बैकग्राउंड ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको चाहिए। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं हम सिंपल सा, एंड इसको एग्जिस्ट कर लेते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ एंड हम इससे शुरू करते हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कलर रेंज की बताया था एंड ये सारी चीज़ बताया था डिफरेंस तक। तो आज हम मैं आपको एक बार और सिंपल वायर रिमूवल बताया था कलर डिफरेंस की से स्टार्ट करते हैं। अगर हमको ऐसा कोई शॉट कलर डिफरेंस की से उसका ग्रीन रिमूव करना है, ये थोड़ा टफ शॉट है, बिकॉज ये शॉट में बेसिकली ये सारी चीज़ें शेडोज़, अगर आपको कोई अच्छा की क्रोमा मिलेगा तो उसके अंदर आपको ऐसी शेडोज़ नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक बेसिक लिया तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, या आप टॉगल दबाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसा रखूँगा एंड शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ कीज़ हैं, ये फर्स्ट की जो आपको पिक करेगी बेस कलर जो आपको रिमूव करना है, नेक्स्ट की उसके अंदर ऐड करेगी कि समझ लीजिए मुझे ये कलर भी निकालना है, हल्का सा यहाँ पर कोई और कलर है वो भी निकालना है, एंड ये वाला की उसको माइनस करेगा। तो फर्स्ट हमने एक की लिया जिससे हमने नॉर्मल किया, नॉर्मल को पिक किया, इसको आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसको कंट्रोल जेड मार के भी कर लेता हूँ। एंड यहाँ से हम उसको एडअप करते जाएंगे स्मॉल स्मॉल चीज़, लेकिन आप जैसे देख रहेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी फेड हो गया है, बिकॉज वो उसको भी अंदर के ग्रीन्स को ले रहा है। हमको हमारे पास कलर की करने के लिए काफ़ी, क्रोमा करने के लिए काफ़ी और भी अच्छे अच्छे हैं, बट मैं आपको आज का ट्यूटोरियल स्पेसिफिकली ये इफेक्ट से कैसे की करेंगे वो बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स, ब्लैक पॉइंट को बढ़ाएंगे तो फिर देख रहे हैं जितना क्लोजली सारी चीज़ें निकल जाएंगी उसके। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप खाली ये सारे गामा, जैसे गामा है, ये सारे कीज़ को एडजस्ट करके ट्राई करें, आपका आउटपुट 100% आ जाएगा। जैसे देख रहे हैं मैं इसको कम कर रहा हूँ तो मेरे पास थोड़ा ग्रीन ज़्यादा आ रहा है, एंड इसको हम बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करके आपका आउटपुट 100% मिल जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ, देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमारे पास हमारी आउटपुट आ गए हैं। फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं तो इसको रीसेट करें एंड डायरेक्ट ही हम यहाँ से कुछ वैल्यूज एडजस्ट करने को ट्राई करते हैं। इससे थोड़ी वैल्यूज जा रही हैं, ये नहीं बढ़ेंगे गामा, ब्लैक को हम
यहाँ से एक और बार इसको ऐड अप प्लस कर लेते हैं, गामा को ज़्यादा रखें थोड़ा ताकि ये आपको मिलता रहे। एक और की ऐड करते हैं, एंड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका अल्फा वगैरह यहाँ पर से चेंज हो जाएगा आपके क्लिक करने पर। एंड यहाँ से आप एक्यूरेट रहना चाहिए कि फास्ट रहना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। दिखना क्या चाहिए, फाइनल आउटपुट में मैं रखता हूँ ऑलवेज, एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करना चाहिए हमको। एंड यहाँ से गामा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं की कलर डिफरेंस की बहुत कम यूज़ करता हूँ, बिकॉज इससे मुझे मेरा आउटपुट लाने जाता हूँ तो देख रहे हैं आप काफ़ी हद तक उसकी डिटेल्स भी निकल गई हैं इसके अंदर से। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं की करने के लिए, बट इससे भी आप अपना आउटपुट ला सकते हैं। देख रहे हैं काफ़ी मैंने उसको रिमूव कर दिया है। इसको उल्टा करेंगे, देख रहे हैं ये डिटेल आ गई हमारे पास वापस। एंड इसको सारी चीज़ों को आपको एडजस्ट कर करके देखना पड़ेगा। तो आई गेस ये वाले टूल हम ये ट्यूटोरियल के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज देख रहे हैं काफ़ी हाइलाइट्स एंड शेडोज़ हैं। तो हम नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं जो है कलर रेंज। कलर रेंज काफ़ी इजी है उसके मुकाबले। अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँ, एक मैंने ले लिया, तो देख रहे हैं 90% हमारा काम हो गया। अगर मैं अल्फ़ा पे जाऊँ तो 90% हमारा काम डन हो गया। बस आपको खाली मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू से खेलना है। मैक्सिमम वैल्यू बढ़ा दें तो अंदर की उसकी कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ से आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है। मिनिमम, तो बस कुछ चीज़ें रह जाती हैं देख रहे हैं, जैसे वो भी इससे मैंने हटा दी। एंड अब आपके पास एक ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट फुटेज है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, तो ये बेस्ट है। तो अभी के लिए हम फिलहाल इतना ही शॉर्ट रखेंगे, इसको एंड दबाते हैं, यहाँ तक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा है। तो एक बार ये होने के बाद आप इसके अंदर आप एक स्पेल सप्रेसर लगा देंगे, जिससे वो हल्का सा जो ग्रीन टेंट है उसके ऊपर से वो चला जाएगा। तो अभी बेसिकली आपको आपका फुटेज तो मिल गया, बस थोड़ा सा ये जर्की है। यहाँ से उसको आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी सोच समझ के आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी, वही वैल्यूज एडजस्ट करनी पड़ेंगी। लैब की जगह आप RGB करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो स्पेसिफिकली कलर से ही काम करेगा। बट ये फुटेज में आई गेस लैब पे हम ज़्यादा इजीली कर रहे थे। एक बार और ट्राई करते हैं RGB से। एंड यहाँ से वो हमने पहले से वैल्यूज उसके अंदर पुटअप करके रखी थी, इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रहा था। देख रहे हैं हमारा यहाँ इससे भी काम हो गया है ऑलमोस्ट। ये सब होने के बाद आपको हमेशा हल्का सा एक गार्बेज मास्क बनाना पड़ेगा, जिसमें से सारी चीज़ें जाएंगी। तो अभी के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, खाली बैकग्राउंड ऑन करेंगे एंड इसको एक गार्बेज मास्क बनाएंगे इसका। तो फर्स्ट हम मास्क बनाएंगे यहाँ पर, इमेज सेलेक्ट करके मास्क। एंड थोड़ा सा बड़ा ही रखें उसको, ताकि हम उसको थोड़ा सा फेदर दे पाएँ। एंड इसको आपको मास्क के अंदर जाके मास्क पाथ चालू करना पड़ेगा, और लास्ट में आ जाएँ एंड देख लें आपका कैरेक्टर कहाँ पर है, और अपने मास्क को भी उधर ले आएँ। इसमें शायद थोड़ा मास्क बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज़ कैरेक्टर चल के हमारा आगे आ जा रहा है। तो अगर आपका पाथ चालू रहेगा तो आप बीच बीच में, जैसे अभी यहाँ पर वो जगह पर, उप्स, मास्क पे पाथ पे क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा मास्क बड़ा भी करना पड़ेगा कहीं कहीं पे। तो आप देख लें जहाँ भी आपके, जैसे ये फ्रेम में वो बाहर निकलने जा रहा है, तो हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, जैसे अभी यहाँ पर पहुँचते पहुँचते
जैसे अभी यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये जा रहा है, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। एंड देख रहे हैं आपके पास एक पूरा कटआउट आ गया है उसका। तो अब खाली आपको इसको स्केल करके सही जगह पे एडजस्ट करना है फुटेज को आपके। एंड यह है आपके पास आपका फुटेज, काफ़ी सिंपल है। आगे चल के मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कैसे ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। सो टिल देन आप हमारे चैनल पे चेकआउट जाके चेकआउट कर लीजिए। सिनेमा 4D, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर चालू हैं। देखना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। टिल देन गुड बाय।